ओके सो गुड इवनिंग दोस्तों, मेरा नाम है आदर्श मिश्रा, आप देख रहे हैं यूथ नेशन कोडर्स। आज हम लोग बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ मेथड्स के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोगों ने टाइप्स ऑफ वेरिएबल के बारे में पिछले वीडियो में बात करी हुई, जहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि वेरिएबल्स जो है हमारे दो टाइप के होते हैं। पहला टाइप क्या होता है हमारा, इंस्टेंस वेरिएबल। दूसरा टाइप हमारा क्या होता है, क्लास या फिर स्टैटिक वेरिएबल। ठीक है, तो आज जो हमारा टॉपिक है इसमें हम लोग बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ मेथड्स के बारे में। देखो, हम लोग जब भी ऑब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं तो ऑब्जेक्ट के अंदर कुछ वैल्यूज स्टोर होती है, तो वो वैल्यू स्टोर करने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या बनाते हैं, वेरिएबल्स बनाते हैं। तो उसके लिए हमने टाइप्स पढ़ रखे हैं, कितने टाइप के वेरिएबल होते हैं। अब उन जो वेरिएबल्स पे उन ऑब्जेक्ट में कुछ चीजें भी तो हो रही है, जैसे अगर हम कार क्लास की बात करें, ठीक है, तो उसके नॉर्मल हमारे वेरिएबल्स कौन कौन से होंगे कि उस कार का क्या टाइप है, उसका क्या मॉडल है, ठीक है, उसकी फ्यूल कैपेसिटी कितनी है, ये सब उसके क्या है, ये सब वेरिएबल्स में आ जाएगा, इंस्टेंस वेरिएबल का पार्ट हो जाएंगे। मगर अगर हम बात करें कि उसके मेथड्स क्या होंगे, तो उसके मेथड क्या हो सकते हैं कि टोटल डिस्टेंस कवर्ड कितनी कवर करी, कितना फ्यूल खत्म हो रहा है, ठीक है, ये सब चीजें, कितना एवरेज है हमारी गाड़ी का, ये सब जो कैलकुलेशन होती है ये होती है हमारी मेथड्स। ये सब क्या बताते हैं कि क्या एक्शन परफॉर्म हो रहा है। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं उन्हीं ऑब्जेक्ट्स के बारे में कि उनका जो है उसमें कितने प्रकार के मेथड्स होते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ मेथड, चलिए शुरू करते हैं कि आज का टॉपिक है टाइप्स ऑफ मेथड। तो मेथड होते क्या है, ये मैंने आपको बताई दी, जब फंक्शन हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर लिखते हैं उन्हें मेथड्स कहते हैं। तो ये भी क्या डिफरेंट टाइप के होते हैं क्या, अभी तक तुम लोगों ने सिर्फ एक ही टाइप का देखा था, तो देखते हैं कि उन्हें क्या कहेंगे, उनके अलावा और कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहला हमारा मेथड कौन सा होता है, वो होता है हमारा इंस्टेंस मेथड। जैसे कि हमारा इंस्टेंस वेरिएबल हुआ तो होता था जैसे इंस्टेंस मेथड। दूसरा हमारा कौन सा होता है मेथड, दूसरा होता है हमारा क्लास मेथड। जैसे हमारा क्लास वेरिएबल होता था वैसे ही क्लास मेथड, ठीक है। मगर वेरिएबल के केस में हमारा जो क्लास था और स्टैटिक था वो सेम होता था, मतलब क्लास ही क्लास वेरिएबल को ही स्टैटिक वेरिएबल भी बोलते थे। मगर मेथड्स में तीसरे टाइप का मेथड क्या होता है, स्टैटिक मेथड होता है, ठीक है। तो यहाँ पे तीन मेथड हो गए, कौन सा, पहला हो गया इंस्टेंस, दूसरा हो गया क्लास मेथड और तीसरा क्या हो गया, स्टैटिक मेथड। तो लाइन से तीनों के बारे में एक करके बात करेंगे। तो पहला हमारा टॉपिक है इंस्टेंस मेथड। अब देखो इसमें हम लोग यहाँ पे एक नई क्लास आज बनाने वाले हैं, तो हमारे जो क्लास का नेम होगा वो क्लास का नेम होगा स्टूडेंट, ठीक है, क्योंकि बच्चों वाली क्लास है, इसका बना लेते हैं। कार के बारे में बात कर चुके हैं, ह्यूमन के बारे में बात चुके हैं, आज स्टूडेंट के बारे में बात करते हैं। तो इसके अंदर एक कंस्ट्रक्टर होगा मेरा इनिट फंक्शन, ठीक है, और इसमें जो है सेल्फ पास होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस क्वेश्चन को ये रखते हैं कि जो स्टूडेंट होगा इसके पर्टिकुलर कुछ मार्क्स होंगे, मान लो कि ये कॉलेज में किसी पढ़ता है, ठीक है, उस कॉलेज में कोई टेस्ट हुआ जिसमें तीन से चार सब्जेक्ट थे, मान लो चार सब्जेक्ट हैं, उनके मार्क्स चाहिए। तो जो मार्क्स होंगे वो यहाँ पे इनपुट ले लेते हैं, M1, M2, M3, M4, ठीक है। तो चार मार्क्स थे जो हमारा यूजर इनपुट करेगा जब भी वो स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बनाएगा, ठीक है। अब हमें करना क्या है, इन सबको स्टोर करना है, तो हम क्या लिख देंगे, तो M1 की वैल्यू ये दे दी, ठीक है। ऐसे ही हम इसको कॉपी करके बार बार यहाँ पे जल्दी से कर देते हैं ताकि थोड़ा समय बचे हमारा, ठीक है। तो इस तरह से हमने क्या करा, कंस्ट्रक्टर तैयार कर लिया। अब आते हैं हम यहाँ पे कि हमें क्या करना है, जो भी हमारे मार्क्स हैं हमें इसका एवरेज देना है। तो एवरेज के लिए हम लोग यहाँ पे एक एवरेज नाम का फंक्शन बना रहे हैं, तो इसका क्या नाम देते हैं, गेट AVERAGE, गेट एवरेज। गेट एवरेज के अंदर सेल्फ पास कर दिया हमने, क्योंकि ऑब्जेक्ट से डायरेक्ट इसे बुलाएंगे। अब देखो एवरेज कैसे निकलता है कि चारों मार्क्स को ऐड कर लो अपॉन फोर कर दो तो एवरेज आ जाता है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, ये हमें रिटर्न करेगा क्योंकि गेट एवरेज है, तो ये क्या हमें कुछ वैल्यू दे रहा है। तो क्या वैल्यू देगा, सबसे पहले तो हमारे जितने भी मार्क्स हैं चारों उन सबको ऐड कर लो, तो कैसे ऐड करेंगे, सेल्फ डॉट M1 सेल्फ डॉट M4, ठीक है। तो हमारे चारों मार्क्स जो हैं वो ऐड हो जाएंगे। अब वो ऐड होने के बाद हमें क्या करना है, उसको डिवाइड कर देना है फोर से, जो भी होगा वो एवरेज में मिल जाएगा। तो ये तो था हमारा स्टूडेंट क्लास, ठीक है। अब हम इसका पहले एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं कि मान लो एक स्टूडेंट है हमारा S1 नाम का, ठीक है। अब इसके मार्क्स जो है वो कितने आए, S1 नाम का रख लो, थोड़ा समझ में आया तो कह दो कि एक राम नाम का बंदा है, ठीक है। उसके उसके जो मार्क्स थे चारों सब्जेक्ट में वो क्या थे, कि 100 में एक में उसके आए 54, फिर एक में आए 48, एक में आए 78, एक में आए 56, तो चार मार्क्स थे, ठीक है। ऐसे ही हम लोग क्या करते हैं, एक उसका भाई था श्याम, ठीक है। तो श्याम के जो मार्क्स थे वो भी उसी क्लास में पढ़ता था, उसी कॉलेज में था लड़के के साथ, तो उसके मार्क्स आए कि 45, 82, 98 और 75, ठीक है। तो श्याम पढ़ाई में अच्छा था इसलिए उसको अच्छे नंबर है। तो यहाँ पे सीन ये है कि हम लोगों ने क्या करा है, यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट बनाए, राम और श्याम, हमारी क्लास स्टूडेंट के, ठीक है। इसमें इन्होंने चारों की वैल्यू थी। अब हम चाहते हैं कि राम और श्याम की हमें क्या मिल जाए, एवरेज मिल जाए। तो हम क्या प्रिंट कर देंगे यहाँ पे, कि सबसे पहले हमें राम डॉट राम का गेट एवरेज, हमें राम का एवरेज दे दो। तो एवरेज जो है कुछ इनपुट नहीं ले रहा है क्योंकि हमें क्या कर रहा है, रिटर्न कर रहा है। तो अभी हमें राम का जितना ही मार्क्स आया है तो इसके हिसाब से हमें इसका एवरेज दिख जाना चाहिए, लॉजिकली प्रोग्राम चलेगा। अब देखते हैं, तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि टपल ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट गेट एवरेज, कहीं कुछ गलत हो गया है और यहाँ पे अरे
मैं ये तो लिखना भूल ही गया, क्लास का नेम, क्लास का नेम भी तो लिखते हैं, आप लोगों ने बताया नहीं। ठीक है चलो अब तो चलेगा। हाँ तो क्या कह रहा है, 59.0 जो है हमारे राम का एवरेज है। तो हमारा राम का जो एवरेज आ रहा है वो आ रहा है, मगर एक चीज यहाँ पे देखो कि हमने क्या करा कि एक क्लास बनाया, एक स्टूडेंट, ठीक है, उसके अंदर एक कंस्ट्रक्टर है जो 4 मार्क्स इनपुट ले रहा है, एक गेट एवरेज नाम का हमने मेथड बनाया है, मेथड बनाया है। तो ये किस टाइप का मेथड, ये इंस्टेंस मेथड है कि क्लास मेथड है कि स्टैटिक मेथड है? तो ये जो है हमारा क्या है, इंस्टेंस मेथड है। इंस्टेंस मेथड क्यों है, इसका जवाब सुनो। देखो हम लोग गेट एवरेज जब भी हम डिफाइन कर रहे हैं यहाँ पे, इसको डिक्लेयर कर रहे हैं ये लाइन, तो वहां पे हम सेल्फ पास कर रहे हैं, समझ रहे हो? और इसको एक्सेस कैसे कर रहे हैं, अपने राम मतलब ऑब्जेक्ट का नाम लेकर, ऑब्जेक्ट डॉट गेट एवरेज, समझ रहे हो? तो किसी ऑब्जेक्ट के बारे में हम जो है उसकी कोई जो एट्रीब्यूट है, उसका कुछ बिहेवियर है, जो एक्शन परफॉर्म कर रहा है, उसकी चीजों को हम यहाँ पे इनपुट आउटपुट के फॉर्म में एज अ रिटर्न वैल्यू ले रहे हैं, उसको प्रिंट कर रहे हैं। तो गेट एवरेज में हम लोग सेल्फ पास कर रहे हैं, तो जहाँ हमने सेल्फ पास कर दिया वो क्या हो गया, इंस्टेंस मेथड हो गया। तो अब याद रखना है जो हमारा गेट एवरेज है ये क्या है। अब देखो ये था मेरा इंस्टेंस मेथड, मगर एक चीज आप यहाँ पे देखो कि जो बच्चे, जो हमारा क्लास स्टूडेंट है, तो वहाँ पे जो बच्चे हैं वो किसी कॉलेज में पढ़ रहे होंगे। तो मान लो कॉलेज का जो नाम है, जैसे मैं अपने कॉलेज में हूँ, PSIT में हूँ, ठीक है, तो मैंने PSIT रख दिया कॉलेज का नाम। तो अच्छा ये बताओ, अब अगर मेरी क्लास स्टूडेंट है, ये मैंने डिजाइन बनाया है अपने स्टूडेंट क्लास का, तो इसमें जितने बच्चे होंगे वो सब PSIT के ही तो होंगे, इसीलिए मैंने जो ये PSIT क्या है, इसको क्या बना दिया है मैंने, स्टैटिक या फिर क्लास वेरिएबल। और ये हमारे सेल्फ डॉट एम सेल्फ डॉट एम टू, ये क्या है हमारा इंस्टेंस, ऑब्जेक्ट डॉट ऐसे चलेगा ना, ये सब ऐसे स्टोर होगा, तो ये क्या है हमारा इंस्टेंस है। तो क्या हो जाए, इंस्टेंस वेरिएबल, यहाँ पे ए जो है वो छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे क्लास में स्टैटिक वेरिएबल थे, और ये क्या है, इंस्टेंस वेरिएबल। अब ये जो हमारा मेथड है, ये है हमारा इंस्टेंस मेथड क्यों है, क्योंकि हमने इसके अंदर सेल्फ पास करा है, और ये हम ऑब्जेक्ट से लेके एक्सेस कर सकते हैं। तो अब अगर हम लोग इंस्टेंस मेथड में और डीप बात करें, तो यहाँ पे इंस्टेंस मेथड दो टाइप के होते हैं, पहला होता है सेटर मेथड और दूसरा होता है गेटर मेथड। जो सेटर मेथड होता है उसका काम होता है कि ऑब्जेक्ट की जो भी वैल्यूज है, M1 M2 M3, इन सबको क्या करेगा, अपडेट करेगा, इनको चेंज करने का काम होता है, सेट करने का काम होता है सेटर मेथड का। इनको म्यूटेटर मेथड भी कहते हैं। फिर बात आती है हमारे गेटर मेथड की। तो इंस्टेंस के दो टाइप होते हैं, सेटर एंड गेटर। जो गेटर होता है वो क्या होता है, वो वैल्यू गेट करता है, वो वैल्यू फेच करता है, इसे एक्सेसर मेथड भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, ये क्या कहता है कि हमारी जो भी सेल्फ डॉट एम1 सेल्फ डॉट एम2, अगर हम चाहें हमें ये सब वैल्यू जो है उनको आउटपुट में चाहिए हो, तो आउटपुट में लेने के लिए इन सब वैल्यूज को हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं कि राम डॉट राम का हमें M1 बता दूं, मार्क्स 1, तो हमें पता चल जाएगा कि राम के जो पहला मार्क्स था वो क्या था, ठीक है, देखो 54, और जो यहाँ पे है भी 54, ठीक है। मगर अगर ऐसे ही लिखना पड़ेगा मुझे हर बार, तो हर एक ऑब्जेक्ट के लिए अलग अलग है ना। देखो राम के लिए अब मैं श्याम के निकालू, तो मैं लिखूंगा श्याम.m1, ठीक है, तो मुझे ये ना लिखना पड़े, इसलिए हमारे होते हैं गेटर मेथड। वो क्या कहते हैं, गेटर मेथड का यहाँ पे मैं आपको बना के दिखाई देता हूँ, फालतू इतना बता रहे, अच्छा यहाँ पे देख ही लो आप। ये देखो अगर हमें सेट करना है, सेटर मेथड बनाना है, तो हम क्या लिखते हैं, सेट, अब नाम तो कुछ भी हो सकता है हमारे मेथड का। तो हमने लिख दिया कि मान लो हमें सेट M1, हमें पहले मार्क्स को यहाँ पे सेट करना है, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग जो है सेल्फ पास कर देंगे, और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सेल्फ डॉट जो मार्क्स 1 है, मान लो उसके 54 ना हो के 58 हो गया बाद में, तो हमने उसको 58 यहाँ पे अंदर ही वैल्यू चेंज कर दिया। फिर मान लो कि यहाँ पे वो खुद ही हमें बता देगा कितनी वैल्यू उसकी आई हुई है, तो यहाँ पे हम वैल्यू पास कर देंगे, ठीक है। तो हमारा ये हो गया सेटर। और अगर हम बात करें गेटर की, तो बिल्कुल सेम, गेट M1, ठीक है, तो गेट M1 क्या करेगा, हमें मार्क्स रिटर्न करेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिटर्न सेल्फ डॉट M1। तो हमारे ये क्या थे, ये गेटर और सेटर मेथड था। ये सेट क्या करेगा, वैल्यू सेट करेगा, गेट क्या करेगा, वैल्यू हमें आउटपुट देगा। तो अगर हमें इस बार जो है राम की वैल्यू को एक्सेस करना है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, या फिर चेंज करना है, तो हम क्या लिखेंगे, सेट M1, और सेट M1 उसके 54 मार्क्स के आप कितने हो गए हैं, 58 हो गए हैं। अब अगर हम इसको, एक मिनट रुको, अगर मैं इसको ये करके फिर एक बार प्रिंट कर दूं कि उसके कितने मार्क्स हैं, अब यहाँ पे हमें एक बार सेट कर दिया वैल्यू, उसके बाद हम उसकी वैल्यू गेट करेंगे, तो लॉजिकली जब हम उसकी वैल्यू को गेट करेंगे, तो हमें आंसर 54 ना मिलके इस बार 58 मिल जाएगा, क्योंकि हम लोगों ने क्या करा है, उस ऑब्जेक्ट, उस इंस्टेंस का जो एक अंदर वैल्यू थी उसको चेंज कर दिया, तो हमारा आंसर 58 आएगा, 54 नहीं आएगा, 58 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज हमें ध्यान देनी है, जब भी हम सेट करते हैं तो यहाँ प्रिंट नहीं करते हैं, इसीलिए वहां पे ना आ रहा था, क्योंकि सेट करते समय हम लोग को वो कुछ आउटपुट में देने रहा, तो प्रिंट क्या करना, ठीक है। तो यहाँ पे ये था हमारा सेटर और गेटर मेथड का कंसेप्ट। तो ये किसका पार्ट होता है, इंस्टेंस मेथड का पार्ट होता है। अब हम लोग आते हैं अपने उस पे, क्लास मेथड पे। तो जो हमारा, अब हम यहाँ पे बनाने वाले हैं क्लास मेथड। तो क्लास मेथड की जरूरत क्यों पड़ी, अब आप यहाँ पे जानते हो कि जो हमारा कंस्ट्रक्टर है उसका काम है कि जितनी भी वैल्यूज आती हैं उनको
एज अ वेरिएबल, इंस्टेंस वेरिएबल के फॉर्म में रख लेना, ठीक है। जो हमारा नॉर्मल इंस्टेंस मेथड होता है, इनका काम क्या होता है कि ऑब्जेक्ट से रिलेटेड जितने भी यहाँ पे वैल्यू का मैनिपुलेशन है, जो भी हमें डेटा डेटा यहाँ पे एक्सेस करना है या फिर कुछ वैल्यूज को सॉल्व करना है, कोई मैथमेटिकल इक्वेशन लगानी है उन ऑब्जेक्ट की वैल्यूज पे, ठीक है। जैसे यहाँ पे मार्क्स पे हम लोग यहाँ पे कुछ सॉल्व कर रहे थे, ये सब काम होता है हमारे इंस्टेंस मेथड का, क्योंकि ऑब्जेक्ट से रिलेटेड होते हैं। मगर क्लास मेथड क्या होता है, तो नाम से पता चल रहा है जो क्लास से रिलेटेड काम हो, तो क्लास रिलेटेड काम क्या हो सकते हैं, जैसे कि यहीं पे बात करूँ तो हमारा ये कॉलेज इक्वल टू PSIT, तो ये क्या है हमारा क्लास वेरिएबल है, क्लास के अंदर है, ठीक है। PSIT जो है हर एक ऑब्जेक्ट जो इस स्टूडेंट क्लास से बनेगा उसके लिए कॉमन है, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज हमें ध्यान देनी है कि अगर हमें इस PSIT को प्रिंट करना है, तो लॉजिकली जब प्रिंट करना होता है तो हम नॉर्मल ऐसे भी प्रिंट कर सकते हैं, यहाँ पे ये लिख के ये प्रिंट राम डॉट कॉलेज, अभी भी बता देगा PSIT है, ठीक है। मगर यहाँ पे हम इसको ऐसे करेंगे क्या, आप ये बताओ। देखो राम उसी कॉलेज में पढ़ रहा है, मगर वो कॉलेज राम का थोड़ी ना है, ठीक है। श्याम उसी कॉलेज में पढ़ रहा है, तो श्याम का कॉलेज थोड़ी ना, समझ रहे हो ना आप यहाँ पे बात। ऐसे राम श्याम के जैसे 1 करोड़ लोग अगर मान लो उस कॉलेज से पढ़ के निकल गए, तो उन सबका वो कुछ उसमें हकदारी थोड़ी ना है। तो वही चीज यहाँ पे बतानी है आपको कि जो हमारा कॉलेज है PSIT, ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, एज अ क्लास मेथड के रूप में हम लोग एक ऐसा मेथड बनाने वाले हैं जो हमें रिटर्न करेगा कि हमारा कॉलेज क्या है। तो अगर यहाँ पे एक्सेस करना चाहे हम ऑब्जेक्ट के नाम पे, तो हम लोग लिख सकते हैं राम डॉट कॉलेज। अगर हम यहाँ पे इसको, मैंने पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, क्लास के अगर हिसाब से हमें यहाँ पे एक्सेस करना है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, स्टूडेंट डॉट कॉलेज, तब भी हमारा आंसर PSIT आएगा। क्लास डॉट उसके वेरिएबल का नाम लिखोगे तो भी वही आंसर आता है। मगर हमें इसको इस तरह से नहीं लिखना है, ठीक है। हम इसके लिए एक मेथड बनाएंगे, तो वो मेथड क्या होगा, क्लास मेथड। तो मेथड बने कैसे, बिल्कुल सेम डेफ, ठीक है। मैंने नाम क्या दिया, गेट कॉलेज नाम का मैंने एक मेथड बनाया, जो कि यहाँ पे कुछ चीज इनपुट लेगा। अब देखो ये क्या है, हमारा क्लास मेथड है ना, इसको थोड़ा साफ कर देता हूँ ताकि आपको समझ में, जो हमारा क्लास मेथड है, तो क्लास मेथड के लिए हम लोग यहाँ पे क्या लगाएंगे, CLS। आप सोच रहे हो CLS क्या है, अब देखो पहले यहाँ पे देखो, जब भी हम इंस्टेंस के बारे में बात करते हैं, ऑब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं, यहाँ पे हम सेल्फ लगाते हैं, ठीक है। तो अगर हमें क्लास मेथड बनाना है, क्लास के बारे में कुछ छेड़खानी करनी है, क्लास की कोई वैल्यूज को हमें इनपुट या आउटपुट या फिर उसमें कुछ चेंजेस करने हैं, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे CLS पास करते हैं, इसको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। अब हमें करना क्या है कि हमें गेट कॉलेज क्या करेगा, रिटर्न करेगा, क्या रिटर्न करेगा, जो हमारा ये वेरिएबल है कॉलेज है। अब अगर इसको हम यहाँ पे प्रिंट करना चाहें कि भाई राम का कॉलेज क्या है, फिर शाम का मतलब जितने भी ऑब्जेक्ट बने उनका कॉलेज क्या है, तो हम यहाँ पे क्या लिखें, गेट कॉलेज। अगर हम इसको ऐसे लिखें रन करें, तो ये देगा एक एरर। तो एरर क्यों देगा, ये क्या कह रहा है कि नेम गेट कॉलेज इज नॉट डिफाइंड, ये गेट कॉलेज जो नेम है ये डिफाइंड नहीं है। क्यों नहीं डिफाइन है, क्योंकि यहाँ पे हम कुछ CLS पास कर रहे हैं, मगर यहाँ पे हम तो यहाँ पे कुछ पास कर ही नहीं रहे, तो इसको हम लोग को डिफाइन करने के लिए यहाँ पे हम लोग को क्या लगाना पड़ता है, इसको कहते हैं डेकोरेटर। क्या कहते हैं, डेकोरेटर। डेकोरेटर क्या होता है कि हमें बताना पड़ेगा कि ये क्या है, क्लास मेथड है, क्योंकि देखो देखने में वो नहीं इतना समझदार नहीं है, क्योंकि सेल्फ और जो CLS है ये हमारे कोई कीवर्ड थोड़ी ना है। देखो इसका रंग चेंज नहीं हो रहा है, इसको हम एज अ वेरिएबल नेम भी यूज कर सकते हैं। फिर इनको बताना पड़ता है कि भाई ये जो हम मेथड बनाने वाले हैं ये क्लास से रिलेटेड, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, एट द रेट क्लास मेथड। तो हमने यहाँ इसको बता दिया कि भाई ये जो नीचे मेथड बनने वाला है ये क्या है, क्लास मेथड है। एट द रेट क्लास मेथड को हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे, इसको बोला जाता है डेकोरेटर्स। तो अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊँ, इसको बोलते हैं, लिखे देता हूँ ताकि आप लोग को आसानी रहे, ठीक है, इसको बोलते हैं डेकोरेटर्स, ठीक है, समझ गए। अब इसमें अभी भी एक एरर आ सकती है, वो एरर क्या है कि मैंने यहाँ पे CLS लिख दिया है, जब भी मुझे कोई ऑब्जेक्ट की वैल्यू चाहिए होती है तो हम लोग क्या लिखते हैं, सेल्फ डॉट उसकी पर्टिकुलर प्रॉपर्टी या फिर उसकी पर्टिकुलर वैल्यू। मगर जब हम बात करें अपने क्लास की, तो हमें क्लास में कॉलेज चाहिए ना, कॉलेज देखो है तो क्लास का ही वेरिएबल, मगर हमने यहाँ पे CLS पास करा है, तो घुइया छीलने के लिए थोड़ी ना करा, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा रिटर्न CLS डॉट कॉलेज। और अगर अब इस फंक्शन को हमें एक्सेस करना है, तो ये हमारी क्लास स्टूडेंट के अंदर, तो या तो यहाँ पे लिख दो कि स्टूडेंट डॉट गेट कॉलेज, या लिख दो कि राम श्याम गेट कॉलेज, तो अभी हम लोग स्टूडेंट लिखते हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ पे क्लास के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसको एज अ क्लास हम लोग यहाँ पे ट्रीट करने वाले, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, PSIT आ जाएगा। समझ जाते हैं आप, ये चीज समझने वाली है कि जब भी हम क्लास मेथड बनाते हैं, तो हमें एक डेकोरेटर वहाँ पे देना पड़ता है एट द रेट क्लास मेथड नाम का, क्योंकि उसको नहीं पता है कि भाई ये जो हम फंक्शन टाइप का ये बना रहे हैं, जो भी मेथड बना रहे हैं, ये हमारा इंस्टेंस मेथड है कि क्लास मेथड है। क्लास मेथड स्पेशल है, स्पेशली डेकोरेटर लगा दिया। क्या करेगा, CLS हमारे यहाँ पे ये चीज याद रखनी, CLS इनपुट लेता है, इंस्टेंस इंस्टेंस मेथड के लिए सेल्फ इनपुट लेता है, ठीक है। रिटर्न क्या करेगा, CLS डॉट कॉलेज जो भी हमारी वैल्यू है उसको रिटर्न कर देगा। और जब भी हम इसको कॉल करेंगे, तो या तो स्टूडेंट डॉट गेट कॉलेज कर सकते हैं, या फिर हम यहाँ पे राम श्याम डॉट गेट कॉलेज, यहाँ पे स्टूडेंट डॉट गेट कॉलेज करेंगे। तो ये चीज तो हम लोगों ने यहाँ पे सीखी कि क्लास क्या होती है। तो पहला हो गया इंस्टेंस, दूसरा हो गया क्लास, और तीसरा आता है स्टैटिक। तो स्टैटिक क्या होता है, यहाँ पे देखते हैं। इंस्टेंस मेथड जो ऑब्जेक्ट के बारे में काम करें,
क्लास मेथड जो क्लास की वैल्यूज को मैनिपुलेट करे, ठीक। मैनिपुलेशन का मतलब वही मैं बता रहा हूँ, सेट करे या फिर चेंज करे या फिर हमें आउटपुट में दे कुछ गेट करे, ठीक है। अब स्टैटिक मेथड क्या होते हैं? स्टैटिक मेथड वो होते हैं जिनको दुनियादारी से कोई मतलब नहीं होता है। जैसे कि अगर मैं आपको यहाँ पे एग्जाम्पल दूँ कि जैसे हम लोग फंक्शन नॉर्मल बनाते हैं, जैसे नॉर्मल प्रोग्राम में फंक्शन बनाते हैं, सारे स्टैटिक फंक्शन होते हैं, तो उन्हीं को स्टैटिक मेथड भी बोला जाता है। मतलब स्टैटिक मेथड वो मेथड होते हैं जिनका ना तो क्लास से कोई मतलब होता है ना तो ऑब्जेक्ट से कोई मतलब होता है, समझे। आप उसको यूज कर सकते हो मगर उसमें कोई भी आपको सेल्फ नहीं पास करना पड़ेगा, कोई भी सीएलएस पास नहीं करना पड़ेगा। मतलब वो जो है अपने स्पेशल पर्पस के लिए आते हैं, अपने स्पेशली कोई पर्टिकुलर काम के लिए। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे बोल दूँ कि मुझे किसी भी रीजन से यहाँ पे फैक्टोरियल चाहिए, तो फैक्टोरियल क्या किसी क्लास से रिलेटेड है ना? फैक्टोरियल क्या किसी ऑब्जेक्ट से रिलेटेड है? वो तो हमारी अलग की नीड है ना। तो उसके लिए मैं क्या कहता हूँ, एक स्टैटिक मेथड बनाऊंगा जिसका नाम कुछ भी होगा। तो मान लो फैक्टोरियल नाम का, हमें फैक्टोरियल बनाना था, तो मैंने यहाँ पे फैक्टोरियल जो है इसको डिफाइन कर दिया। मगर यहाँ पे मैं ना तो सेल्फ पास करूंगा ना तो सीएलएस पास करूंगा, ठीक है। तो एक फैक्टोरियल का प्रोग्राम बनाऊंगा, नहीं लंबा हो जाएगा वीडियो, ठीक है। इसे यहाँ पे सिर्फ इतना लिखते हैं कि दिस इज फैक्टोरियल, तो समझ जाना, ठीक है। मान लो कि यहाँ पे फैक्टोरियल ही लिखा होगा, ठीक। तो हमारा इसी को कहते हैं स्टैटिक मेथड। मगर क्या अब ये काम करेगा? अगर हम यहाँ पे प्रिंट प्रिंट क्या करना है, सीधा सीधा यहाँ पे ये लिखो ना कि फैक्टोरियल, क्योंकि अभी यहाँ पे हम इस फंक्शन को कॉल करें, मगर फंक्शन है किसके अंदर? हमारी स्टूडेंट क्लास के अंदर है। तो क्या लिखेंगे? स्टूडेंट डॉट फैक्टोरियल। तो अगर अभी हम इसको रन करके देखें तो ये दे रहा है दिस इज फैक्टोरियल, मतलब सही दे रहा है कि फैक्टोरियल हम उसको इस तरह से एक्सेस कर सकते हैं। मगर क्या सिर्फ स्टूडेंट क्लास का यूज करके हम उसको एक्सेस कर सकते हैं? क्या अगर हम चाहें क्या राम और श्याम लोग जो इसे एक्सेस कर सकते हैं? तो बिल्कुल कर सकते हैं। अगर यहाँ पे लिखेंगे राम डॉट फैक्टोरियल तो क्या आंसर आएगा? तो आंसर नहीं आएगा, एक एरर आएगी, देखना अभी। तो एरर क्या कह रही है कि फैक्टोरियल टेक 0.5, फालतू चीजें। रीजन सुनो, जब भी हम यहाँ पे क्लास के बारे में बात कर रहे होते हैं तो क्लास का एक मेथड एक पार्ट है ना, ठीक है। ये जो है हमारा क्या है, स्टैटिक मेथड है। तो हमें क्या करना है, ये एक क्लास का पार्ट है, क्लास डॉट फैक्टोरियल लिखा तो चला। मगर जब हम किसी ऑब्जेक्ट के बारे में बात करें तो ऑब्जेक्ट में नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि ऑब्जेक्ट में कोई वही चीजें चलती हैं जिनमें सेल्फ पास होता है। इसमें सेल्फ तो पास है नहीं, तो ऑब्जेक्ट इसको रिकॉग्नाइज नहीं करेगा, समझ जान ही नहीं पाएगा कि ऐसा कुछ है भी, ठीक है। तो इस केस में हम लोग क्या कहते हैं, जैसे हम लोग ने यहाँ डेकोरेटर लगाया है क्लास के लिए, वैसे हमें बताना पड़ेगा कि भाई हमारा एक फैक्टोरियल जो है वो हमारा स्टैटिक मेथड है। तो उसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, एट द रेट स्टैटिक मेथड को क्या लिखेंगे, STATIC METHOD। ओहो ये गलत हो गई स्पेलिंग, THOD, ठीक है। तो हमने बता दिया कि स्टैटिक मेथड, ये भी डेकोरेटर है, मैं आपको कमेंट लिखने नहीं वाला हूँ। तो अब अगर हम यहाँ पे राम डॉट फैक्टोरियल करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा दिस इज फैक्टोरियल, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज आपको ध्यान देनी है कि जब भी हमारा कोई स्टैटिक मेथड बनता है तो आप उसको क्लास के नेम से, मतलब स्टूडेंट डॉट फैक्टोरियल करके तो एक्सेस कर सकते हो, मगर आप किसी ऑब्जेक्ट से नहीं कर सकते, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा उन्हीं फंक्शन को एक्सेस कर सकते हैं जिनमें सेल्फ लिखा होगा। और यहाँ पे तो सीएलएस लिखा है, इसको भी नहीं कर पाएंगे। इसके लिए अगर आप क्लास मेथड हटा के एक बार देखना, नहीं आएगा आंसर, एरर देगा। जैसे क्लास मेथड लगा दोगे समझ जाएगा कि क्लास का मेथड है, तो वो यूज कर लेगा, समझ रहे हो। तो यहाँ पे हमें डेकोरेटर का यूज करना होता है। डेकोरेटर के बारे में हम लोग आगे जाके पढ़ने वाले हैं, तो अभी इतना दिमाग मत लगाओ, बस इतना जान लो कि अगर क्लास मेथड बनाना है तो क्लास मेथड नाम का डेकोरेटर होता है, एट द रेट लगता है, और इसके लिए एट द रेट स्टैटिक मेथड। तो आज हम लोग तीन मेथड पढ़े, पहला इंस्टेंस, दूसरा क्लास और तीसरा स्टैटिक।